वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला सुसाइड की कोशिश कर रही थी। अटल सेतु से उसने समंदर में छलांग भी लगा ली थी, लेकिन एन वक्त पर कैब ड्राइवर ने उसे कूदने से बचा लिया। देवदूत बना कैब ड्राइवर, महिला की बचाई जान। खुदकुशी के इरादे से यह महिला नवी मुंबई में अटल सेतु पर पहुंची। उसने यहां तक आने में एक कार बुक की। जैसे ही अटल सेतु पर कार दौड़ी, महिला ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। चालक ने भी उसकी बात मानते हुए कार साइड में रोक ली। लेकिन अगले पल जो होने वाला है, उसका कैब ड्राइवर को भी अंदाजा नहीं था। महिला पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और इसके बाद आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाने लगी। नीचे गहरा समंदर था, महिला पानी में गिरने ही वाली थी, लेकिन वक्त रहते कैब ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई और महिला को पकड़ लिया। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कैब ड्राइवर ने महिला के छलांग लगाने से पहले ही उसके बालों को पकड़ लिया। ऐसा करते हुए ड्राइवर खुद भी पानी में गिर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और जाबाजी दिखाते हुए महिला की जान बचाने में जुट गया। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस का एक गश्ती दल मौके पर पहुंचता है और महिला को बचाने के लिए ड्राइवर की मदद करता है। काफी मशक्कत करने के बाद महिला की जान बचा ली गई। उसे सुरक्षित पुल से नीचे उतारा गया। अटल सेतु पर जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। उसी सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। महिला मुलुंड की रहने वाली बताई जा रही है। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे महिला अटल सेतु पर पहुंची थी। नहवा सेवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से परेशान चल रही है। महाराष्ट्र में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु पर बीते कुछ दिनों से सुसाइड की कोशिश के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले महीने भी एक 38 साल के इंजीनियर ने आत्महत्या की थी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे शख्स ने अटल सेतु से छलांग लगा दी थी। वो अपनी कार से पुल पर आया और बाद में समंदर में कूद गया। मार्च के महीने में भी एक महिला के पुल से कूदने की खबर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सुरक्षित सफर के लिए जरूरी है कि सड़कों पर कोई बाधा ना हो। एक मामूली पत्थर भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अनूपपुर के सतीश ने 14 साल पहले ही ऐसा ही एक हादसा देखा था। सड़क पर पड़े पत्थर की वजह से एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद सतीश ने एक अनोखी मुहिम छेड़ी थी, मुहिम सड़कों से पत्थर हटाने की। 14 साल से सतीश अपने मिशन में जुटे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। राह में रोड़े अटकाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो अजनबियों के रास्ते से भी पत्थर हटाए, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। ये तस्वीरें देखिए, आप सोचेंगे कि सड़क पर बाइक खड़ी कर आखिर ये शख्स पत्थर क्यों चुन रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, पत्थरों से इसकी दुश्मनी क्या है। दरअसल इस शख्स की पत्थरों से नहीं, इन सड़क पर पड़े इन पत्थरों की वजह से होने वाले हादसों से दुश्मनी है। ये नहीं चाहते कि कोई राहगीर इन पत्थरों से टकराए, ये नहीं चाहते कि 14 साल पहले इन्होंने जो हादसा देखा वो फिर देखना पड़े, ये नहीं चाहते कि सड़क पर पत्थरों की वजह से किसी को जान गंवानी पड़े। अनूपपुर के रहने वाले सतीश तिवारी हैं। सतीश एक शासकीय कर्मचारी हैं, अपनी ड्यूटी के साथ ये समाज के प्रति अपना फर्ज निभाते हैं। 2009 में मैं एक मीटिंग से लौट रहा था अनूपपुर से पुष्पराजगढ़, तब मेरा मुख्यालय पुष्पराजगढ़ ही था। तो लौट रहा था तो मैंने देखा कि रात में एक मोटरसाइकिल वाला अपने परिवार के साथ वहाँ से आ रहा था और यहाँ से एक डंफर जा रहा था। तो डंफर की लाइट के कारण उसको सड़क पर पड़ा पत्थर दिखा नहीं और वो पत्थर के कारण डंफर के नीचे आ गए थे और वो लोग एक्सपायर भी हो गए थे, पति पत्नी। उस दुर्घटना के बाद से मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये किरर घाट में पत्थर हमेशा पड़े रहते हैं। कई बार लोग जो ट्रक वाले वो टेक लगा कर पत्थर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं,
कई बार वो पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर भी आ जाते हैं, कई बार बंदरों के कारण आ जाते हैं। तो उस डेट से मुझे वो प्रेरणा मिली और उस दिनांक से मैंने वो फिर शुरू किया कि मैं जब भी ऐसा जाता हूँ किसी अपने साधन में और जिस पर मेरा नियंत्रण होता है तो मैं रुक कर वो पत्थर हटाता हूँ, और ये करते हुए लगातार मेरे को 14 सालों। बीते 14 सालों से सतीश लगातार सड़कों से पत्थर हटाते नजर आ रहे हैं। एक घटना से इन्हें प्रेरणा मिली। 14 साल पहले पहाड़ी इलाके में सड़क पर पड़े पत्थर की वजह से इनकी आंखों के सामने एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। इस घटना से ये इतने आहत हुए कि ठान लिया कि अब कोई पत्थर किसी की मौत की वजह ना बने। तब से सतीश रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों को सड़क से उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर पत्थर दिखा तो गाड़ी रोककर पहले उसे उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये खुद तो सड़कों से पत्थरों की बाधा को दूर करते ही हैं, सोशल मीडिया के जरिए औरों को भी प्रेरित करते हैं। सतीश जब भी अपने निजी वाहन से जाते हैं तो घाटी और रोड के रास्ते में पड़े पत्थर हटाते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। इनकी इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रवि कुमार ओझा, News 18, अनूपपुर। और अब आते अनोखे प्रदर्शन की। बुरहानपुर में एक सफाई कर्मी गले में रोटियों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। ये सफाई कर्मी कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा था। देखिए, गले में रोटियों की माला, एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में झाड़ू। आखिर माजरा क्या है? रोटियां खाने के काम आती हैं, इसने गले में क्यों लटकाई है? ये नजारा बुरहानपुर कलेक्ट्रेट का है और ये शख्स नगर निगम का पूर्व सफाई कर्मी है जो अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संजय सिंह नाम का ये सफाई कर्मी अपनी नौकरी बहाल करवाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचा था। इसका आरोप है कि 6 साल पहले नगर निगम के अधिकारी ने उससे रिश्वत मांगी थी, लेकिन उसने रिश्वत नहीं दी। ये बात अधिकारी को अच्छी नहीं लगी। रिश्वत नहीं देने पर उसे बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया। मैं नगर निगम में दैनिक वेतन पे था और मेरा विनियमितीकरण में नाम आ चुका था। इसी के पश्चात मैंने सेक्टर अधिकारी सतीश पन्नालाल को रिश्वत देने का विरोध किया, तो उसने बिना नोटिस के अपने पद का फायदा उठा के मेरे को कार्य से बंद कर दिया। कितनी रिश्वत मांगी गई थी? 2000 रुपये प्रतिमाह, हाजिरी भरने के 2000 रुपये प्रतिमाह। रोजी रोटी के लिए संजय सिंह दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना इतना आसान कहां? इनका कहना है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी नौकरी बहाल नहीं की गई, तो अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बात रोजी रोटी की थी तो संजय सिंह ने रोटी वाला प्रदर्शन किया। आज मैं विगत 6 वर्षों से घर पे हूँ। ये मेरा दूसरी तीसरी बार है ना कलेक्टर ऑफिस में झंडा वंदन हो रहा है झाड़ू रोजी रोटी के साथ। कितनी बार शिकायत दी आपने? 5-6 साल में मैंने कई बार शिकायत दे दी जिसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा कोई दरवाजा खटखटाया नहीं जहाँ पर मैंने अपने परिवार के लिए अपने लिए रोजी रोटी की मांग रखी है। क्या आश्वासन मिला था आपको? बस ठंडा पानी दिला के भिजा देते हैं वो कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा, बाकी कुछ नहीं होता। अब देखना है कि कलेक्टर सफाई कर्मी की गुहार सुनते हैं या नहीं, इसने रिश्वतखोरी के जो आरोप लगाए हैं उस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं, सफाई कर्मी को नौकरी और न्याय मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटे।